हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल एसजी वैरायटीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे फोर लेयर्ड सैंडविच बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। ये आप बच्चों के टिफिन में बना सकते हैं या इवनिंग स्नैक्स में भी बना सकते हैं। ये देखने में जितनी कलरफुल लग रही है, खाने में उतनी टेस्टफुल लगती है। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए स्टार्टिंग से एंड तक देखें। तो चलिए अपनी इंटरेस्टिंग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो फोर लेयर सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए चार ब्रेड स्लाइसेस। इनमें से हम तीन स्लाइस को अलग रख के एक ब्रेड स्लाइस पे लगाएंगे बटर। तो इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इस पे। तो ये देखिए मैंने स्प्रेड कर लिया है। अब हम इस पे लगाएंगे ग्रीन चटनी यानी हरे धनिया की चटनी। इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो आप जैसा तीखा खाना चाहें उस हिसाब से चटनी इस पे स्प्रेड कर लें। आप चाहें तो और भी चटनी लगा सकते हैं इस पे। तो इस पे ही मैं रख रही हूँ बॉयल्ड यानी कि उबले हुए आलू, जिनको मैंने ऐसे गोल स्लाइस में कर लिया है। इनको इस पे स्प्रेड कर देंगे यानी बिल्कुल अच्छे से फैला देंगे इस पे। तो ये देखिए मैंने आलू को अच्छे से लगा लिया है। तो अब हम इसके ऊपर डालें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। आप जो चीज़ ना खाएं वो स्किप कर सकते हैं इसमें। तो ये मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब हम सेकेंड ब्रेड लेंगे और उसके ऊपर लगाएंगे टमाटो केचप। तो इसमें आप केचप और चटनी अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, जिस हिसाब से आप मीठा या तीखा खाना चाहें। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इस पर स्प्रेड कर दिए। अब इस ब्रेड को हम इस पे रख देंगे इस तरह से। अब हम इस पे लगा रहे हैं टमाटर। इसको मैंने गोल स्लाइस में कट कर लिया है। अब इसके ऊपर मैंने ये प्याज को बारीक कट कर लिया है। अब जिस तरह से भी लगाना चाहे आप गोल भी लगा सकते हैं इस पे। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसको भी फैला लिया है। अब इसके ऊपर भी हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये सारे मसाले डाल दिए मैंने। अब हम थर्ड ब्रेड लेंगे और इसके ऊपर भी हम लगाएंगे टमाटो केचप और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और इस ब्रेड को भी हम इस सैंडविच पे रख देंगे। तो इस तरह से रख दिया मैंने। और इसके ऊपर हम लगाएंगे कुकुम्बर स्लाइस। तो इस तरह से लगा दिया मैंने। अब इसके ऊपर हम ग्रेट करेंगे पनीर। तो इसकी जगह आप चीज़ भी ग्रेट कर सकते हैं। तो मैं इसको और भी हेल्दी बनाने के लिए इसके ऊपर पनीर ग्रेट कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम डाल देंगे नमक, काली मिर्च और चाट मसाला। अब क्या करेंगे, ये फोर्थ लेयर हम लेंगे और इसके ऊपर हम फिर लगाएंगे बटर। इस तरह से हम बटर को स्प्रेड कर लेंगे। तो बटर आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, जैसा भी खाना चाहें। आप चाहें तो चारों स्लाइसेस में बटर लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर हम ग्रीन चटनी लगा देंगे, इसको भी स्प्रेड कर देंगे। इसको देखिए मैंने अच्छे से फैला दिए। अब इस ब्रेड को हम इस पे रख देंगे और हमारी फोर लेयर सैंडविच बिल्कुल तैयार हो गई है। अब चलते हैं हम इसको टोस्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ तवा चढ़ा दिया, उस पर बटर डाल दिया है। थोड़ा सा बटर को मेल्ट हो जाने देंगे। तो बटर हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम सैंडविच को रख देते हैं और इसको अच्छे से सेक लेंगे। इसको प्रेस करके ऊपर से भी हम बटर लगा देंगे। तो इस तरह से बटर लगा दिया मैंने। अब इसको प्रेस करके अच्छे से नीचे साइड में सेक लेंगे। अब इसको हम फ्लिप कर लेंगे, बहुत सावधानी से करें जिससे बिखरे ना। और नीचे साइड में भी हम इसको सेक लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा बटर और लगाया है। अब हम इसकी दूसरी साइड भी पलट के सेक लेते हैं। ये देखिए नीचे कितने अच्छे से सिक गई है। तो हमारी सैंडविच तैयार हो गई है। हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है।
अब चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी सैंडविच तैयार हुई है। देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में फ्रेंड उतनी ही टेस्टफुल है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर।